ट्रू फॉल्स पढ़े थे, और ट्रू फॉल्स से पहले हमने इसके न्यू वर्ड्स कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम इस चैप्टर की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, आंसर दीज क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज ए स्नेक लिव। वेयर डज ए स्नेक लिव, यानी स्नेक कहाँ रहता है। स्नेक का हमने पोयम में ही मतलब समझा था। स्नेक मीन्स होता है अ स्मॉल एनिमल विथ अ कॉइल्ड शेल ऑन इट्स बैक, यानी एक छोटा सा जानवर जिसकी पीठ पर कॉइल्ड शेल होता है। ठीक है, यानी हमने समझा था, ड्रॉ करके भी हमने आपको बताया था कि स्नेक के बैक पर कैसा कॉइल्ड शेल होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि स्नेक कहाँ रहता है। आंसर, स्नेक लिव इन सॉइल। जो स्नेक है वो कहाँ रहता है, लिव। लिव यानी होता है रहना। ठीक है, कहाँ रहता है, सॉइल। सॉइल यानी होता है मिट्टी। ट्रीज, ट्रीज यानी पेड़। एंड इन द रिवर्स, और नदियों में रहता है। तो स्नेक कहाँ रहता है, सॉइल यानी मिट्टी, पेड़ यानी ट्रीज, एंड इन द रिवर्स, रिवर्स यानी नदियों में। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, हु लिव्स ऑन ट्रीज एंड हु लिव्स डीप इन द सी। हु लिव ऑन ट्रीज, यानी पेड़ों पर कौन रहता है, एंड हु लिव्स डीप इन द सी, और समुद्र की गहराई। डीप, डी डबल ई पी, डीप मीन्स होता है गहराई, और सी, एस ई ए सी मीन्स होता है समुद्र। ठीक है, यानी समुद्र की गहराई में कौन रहता है। आंसर, ए बर्ड्स लीव ऑन ट्रीज, यानी पेड़ों पर कौन रहता है, बर्ड्स रहता है। यानी बर्ड्स कहाँ पर रहती है, पेड़ों पर रहती है। एंड ए फिश लिव्स डीप इन द सी, और फिश कहाँ रहती है, मछली कहाँ रहती है, डीप इन द सी, यानी समुद्र की गहराई में। ठीक है स्टूडेंट्स, आए दोनों क्वेश्चन आंसर आपको समझ में। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु लिव्स ऑन द प्लेन। क्या पूछ रहा है इसमें, हु लिव्स ऑन द प्लेन, यानी मैदान पर कौन रहता है। आंसर, ए लॉयर लिव्स ऑन द प्लेन। मैदान पर कौन रहता है, लॉयर, एल आई ओ एन, लॉयर। क्वेश्चन नंबर फोर, वेयर वुड यू फाइंड रैट्स। वेयर वुड यू फाइंड रैट्स, यानी आप चूहों को कहाँ पाएंगे। आंसर, वी विल फाइंड रैट्स इन द ड्रेन्स। क्या लिखा है, वी विल फाइंड रैट्स इन द ड्रेन्स, यानी चूहे हमें कहाँ मिलेंगे, ड्रेन्स में मिलेंगे। ड्रेन्स मीन्स हमने समझा था जो हमारे घर का गंदा पानी होता है, वो जिस पाइप से जाता है उसे क्या बोलते हैं, हम ड्रेन्स। क्वेश्चन नंबर फाइव, डू यू एग्री डैट फोर वॉल्स ए रूफ एंड ए डोर मेक अवर होम, वाई और वाई नॉट। डू यू एग्री डैट फोर वॉल्स ए रूफ एंड ए डोर मेक अवर होम, वाई और वाई नॉट। इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, डू यू एग्री, यानी आप सहमत हैं कि चार दीवार, एक छत और एक दरवाजे से मिलकर, इन सभी चीज़ों से मिलकर हमारा घर बनता है, वाई और वाई नॉट, तो बताइए क्यों। आंसर, वी सॉरी यस वी आर एग्री, हाँ हम इस बात से सहमत हैं, बिकॉज दिस थिंग्स टुगेदर मेक अप ऑफ अवर होम। यस वी आर एग्री, यानी हम इस बात से सहमत हैं क्योंकि इन सभी चीज़ों से मिलकर ही हमारा घर बनता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। सो आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।